चाहेंगे वो करेंगे। तो इंदौर वासियों, आप देखो, समझो, सोचो, लोकतंत्र क्यों खतरे में है। जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, इन परिस्थितियों में हम क्या करेंगे, इसकी एक वृहत रणनीति बनाएंगे। मैं सभी पत्रकारों से भी अनुरोध करता हूं, हो सकता है आप लोग हमारी क्रिटिसिज्म भी करो कि कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी ऐसा हो गया वैसा हो गया, अधिकार है आपका, पर इसके विपरीत भी आपको विचार करना ही पड़ेगा कि अगर ऐसा ही होता रहा तो फिर बिना वोट के जनप्रतिनिधि बनेंगे तो क्या होगा इस शहर का। ऐसे ही 100-100 करोड़ के घपले होंगे, ऐसे ही जो गुंडे और बदमाश नेताओं के संरक्षण में चंदा उगाही या प्लाटों पर कब्जा करते रहेंगे। क्या होगा इस शहर का कि जब वोट की ताकत में अनाप शनाप ताकत और आदमी अहंकार से परिपूर्ण हो जाएगा तो फिर आपकी लेखनी को क्या समझेगा। एक दिन आप भी लिख नहीं सकते हो उनके खिलाफ, किसी के खिलाफ, उसको भी डराया धमकाया जाएगा और होता भी है, जनरली देखते रहते हैं हम लोग। तो मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ, ये केवल इन एक प्रत्याशी का फॉर्म में निकला है, ये चीरहरण हुआ है इंदौर के लोकतंत्र का, और ये बहुत भावनात्मक तरीके से मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूँ। कांग्रेस पार्टी अहिंसात्मक गांधीवादी पार्टी है, ऐसे दौर आए हैं हमारे सामने, पहले भी आए हैं, हमें पता है हम अभी हारे हैं, तो ऐसी स्थिति में परेशानियाँ ज़्यादा थी, लड़ाई भी बड़ी है और लड़ने की इच्छा शक्ति भी, ऐसा भी नहीं है कि कोई किसी प्रकार का कोई खौफ है, पर यह जरूर है कि इंदौर शहर के नागरिकों से और खासकर बुद्धिजीवियों से और आप सब से, मैं सोचता हूं ऐसे में आप सबको विचार करके निर्णय लेना पड़ेगा। कांग्रेस तो लेगी, कांग्रेस तो लेगी ही, अपना निर्णय भी आपको देगी, पर आप सब भी अब उठ खड़े नहीं होंगे तो मैं मानता हूं कि मैं नहीं, आप भी मानते हो और जनता भी मानती है और सब बुद्धिमान जिसके पास छोटी मोटी बुद्धि वो भी मानता है कि जो कथाओं में देखते थे रावण, राक्षस, देवता, आम आदमी, गरीब आदमी, उस तरह का तांडव चालू